बड़े बड़े नाम पीएसएल में नहीं है, वो पीएसएल जो हम कहते हैं आफ्टर आईपीएल सेकंड बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, सेकंड बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, ना डेविड वार्नर आ रहा है, ना स्टीव स्मिथ आ रहा है, ना मैक्सवेल आ रहा है, इवन रिटायर हुए प्लेयर भी नहीं आ रहे। यार अशोक डिंडा को भेज दू, ये बातें हो रही है, ताजू को ले लो, जोंगवे को ले लो, क्या टीम आई है, कौन लोग हैं जो ये ड्राफ्ट सेट करते हैं, किन बेसिस पर करते हैं, कम से कम कोई ढंग के क्रिकेटर्स तो ले आते हैं जिनका कोई पूरी दुनिया में बोलबाला होता है। यार शर्म नहीं आ रही इनको यार। ये कहा जा रहा है कि जनाब जो भारत है, या यू कह लें कि जो मकार भारत है, उसने जनाब पीएसएल सीजन 9 के ऊपर हमला कर दिया है। इसी वजह से जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग खेलने से इनकार कर दिया है। ये अब पीसीबी हर तरफ से देखें, पीसीबी को ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी ब्लैकमेल कर रहा है। उधर इंडिया है, वो अपने आईपीएल को मैनेज करने के लिए बाकी बोर्ड्स के साथ डील करता है, उनको बोलते हैं आप लोगों को टेस्ट मैचेस ज्यादा पसंद हैं, तो जब इंडिया आएगा हम 2 टेस्ट मैच ज्यादा खेल लेंगे, आप अपने सारे प्लेयर भेजो, आप इस दौरान कोई सीरीज ना रखो, सीरीज रखोगे तो जितने टेस्ट मैच हम उतने ही खेलेंगे, इस तरह से बार्गेन करते हैं। और उधर ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने सुना है पीसीबी को ब्लैकमेल किया है, और पीसीबी ने फिर फटोफट वो जो कहते हैं ना मिनटों सेकंडों में हारिस रुकजमान और उसामा मीर को एनओसी के दिए, भाई जाओ, जो ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। मतलब कबरेज शमसी है, डेविड मिलर है, राइली रोसो है, मर्चेंट डिलेंगे जो कि साउथ अफ्रीका के लिए कंसीडर ही होता है, सिर्फ T10 लीग में दिखता है, ये एक बार आईपीएल में बिका था, ये कलकत्ता से खेल रहा है। साउथ अफ्रीका की तो सीरीज शुरू होने वाली है इंडिया से, तो इनकी ये ड्राफ्ट में दिखाने के लिए सिर्फ पीएसएल के, या फिर ये वाकई खेलेंगे भी आगे, ये एक सवाल खड़ा हो गया। और आज दिन में मैंने लिखा था पाकिस्तान सुपर लीग जो है आईसीओ में जा रही है, और ये फिंच क्यों नहीं आ रहा है, स्टीव स्मिथ क्यों नहीं आता, या साउथ अफ्रीका के बड़े प्लेयर डिकॉक क्यों नहीं है जी, तिसारा परेरा जो रिटायरमेंट ले चुके हैं श्रीलंका से, ये सब लोग प्लेटिनियम कैटेगरी में है। कौन खिला रहा है इनको दुनिया में, मुझे एक बात बता, ऐसी है ना यार, ये इस कदर तादाद में सिर्फ अफगानी भरे हुए इसके अंदर, सिर्फ अफ्रीकन भरे हुए इसके अंदर, मैं ये कह रहा हूँ इंडिया तो आता ही नहीं है, इंडिया का कोई प्लेयर जाता है खेलने के लिए, मगर जहाँ आप खेल रहे हैं बांग्लादेश का, उसका कोई खिलाड़ी क्यों नहीं है, 443 प्लेयर में से आप बताइए 40 भी ऐसे नहीं है जो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के क्रिकेट के अंदर। इतनी लुटी पिटी पीएसएल, इतनी थकेली पीएसएल में लड़के क्यों नहीं आ रहे, तो भाई आप ये मत कह दीजिएगा कि फाइनेंसर नहीं है, फाइनेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फाइनेंस के अलावा आपका मोनोपोली भी नहीं आपने बनाई हुई दुनिया के क्रिकेट के अंदर, किस तरह से बड़े बड़े प्लेयर्स को घेर घार के वापस लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा लगे रहा है इसके अंदर कि यार किसी तरह इस साल जो है वो पीएसएल के अंदर बड़े नाम आ जाएंगे, मगर इस साल भी वही पुराने, वही रिटायर्ड, वही चले हुए, वही थके हुए, वही अजीब से प्लेयर जो है पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन रहे हैं। तो ऐसे में तो भाई शाहीन अच्छी बॉलिंग करेगा, ऐसे में तो हारिस भी अच्छी बॉलिंग करेगा, ये मतलब जिनकी भागने में सांस फूलती हो खिलाड़ियों की, जो रनिंग ना कर सकते हो, दो ग्राउंड के चक्कर ना लगा सकते हो T20 के अंदर, उनको T20 में ये डिलेंगे, ये मर्चेंट, ये गुरबाज, मतलब यार इनकी क्रिकेट है कितनी, यहाँ प्रूफ करनी थी भाई आपको, पैसा कहीं से भी जुगाड़ करते, कहीं से भी लेते पैसा आप, मगर इस लीग में इस वक्त बड़े खिलाड़ियों का नाम इस साल होना बहुत जरूरी था, कहीं ये ना हो कि आपसे पहले नेक्स्ट ईयर, आपसे पीएसएल से पहले ही उनकी ड्राफ्टिंग हो जाए, प्लेयर्स नजर आ जाए, बड़े प्लेयर्स अनाउंस हो जाए उसके अंदर, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में जो अभी बचे हुए प्लेयर्स हैं दुनिया के क्रिकेट के, बचे हुए प्लेयर बोलूंगा, इसमें एक सबसे आखिरी नाम आता है मोहम्मद अली, ऐसा लगता है बॉक्सिंग हो रही है, मतलब वो कौन है, कहां का है, किसका है, इसमें आपको यही कह रहा था कि आप बोटसाना के प्लेयर डालते, आप लसूटा के प्लेयर डालते, आ रहे ना वही आखिरकार, मतलब कब देखेंगे हम पाकिस्तान सुपर लीग में जो वर्ल्ड के टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, भाई हमारा बाबर नंबर 1 है, नंबर 2 है, या नंबर 3 है, या हमारा शाहीन टॉप 10 में आ गया अल्लाह के हुक्म से, प्रॉब्लम इज दिस कि हम कब देखेंगे जो वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट नाम है, कब हम केन विलियमसन को पाकिस्तान सुपर लीग में देखेंगे, कब हम पैट कमिंस को देखेंगे, कब हम जो है वो मतलब यार कुछ नहीं तो नेथन लाइन से ही बात कर लो, मैथ्यू वेट से ही बात कर लो, आप मतलब चिकुमबुरा टाइप प्लेयर भी नहीं है भाई, उनको तो ले लेते कहीं से पकड़ लेते, यानी तबरेज शमसी बेच रहे हो आप फॉरेन प्लेयर्स में। जो खबर आई है वो बड़ी खतरनाक है, और ये कहा जा रहा है कि जनाब जो भारत है, या यू कह लें कि जो मकार भारत है, उसने जनाब पीएसएल सीजन 9 के ऊपर हमला कर दिया है। इसी वजह से जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग खेलने से इनकार कर दिया है। और इसी वजह से जनाब जो पीएसएल सीजन 9 के लिए रजिस्ट्रेशन हुई है फॉरेन प्लेयर्स की, उनमें कोई भी दुनिया क्रिकेट का जो बड़ा नाम है वो शामिल नहीं है। जबकि जो बड़े नाम जिनमें ट्रेंट बोल्ट आज तक पाकिस्तान सुपर लीग सीजन किसी सीजन में नहीं खेले, क्विंटन डीकॉक पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल जिनके हवाले से बातें चल रही थी कि जनाब वो ज्वाइन कर सकते हैं, उन्होंने भी पीएसएल जो है वो नहीं खेला हुआ। और ये तीनों बड़े नाम जो मिस हुए हैं, इनके पीछे की रीजन क्या है, पीएसएल मुकाबला करती है जनाब आईपीएल के साथ, आईपीएल में पैसा बांटा जाता है, और पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट जो है या जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं वो उभर कर सामने आते हैं।
लेकिन जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग को हाई रेट किया जाता है वहां पर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनको पैसा कम दिया जाता है। सो इसीलिए जो प्लेयर्स हैं वो जनाब फर्स्ट प्रायोरिटी पे पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं रखते, और आईपीएल के फाइनेंसर जो हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है, और रूल जो है जनाब वो आईपीएल के लिए कोई भी नहीं है। आप जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट करें, आप प्लेयर्स के लिए डायरेक्ट साइनिंग करें और आप उनको जनाब जो लीग है उसके अंदर खिला सकते हैं। कि पाकिस्तान सुपर लीग पर किस तरह से जनाब जो आईपीएल बेस्ड फ्रेंचाइजेस हैं वो हमलावर हो चुकी हैं, और आईपीएल सट्टेबाजी के लिए भी मशहूर है, पैसे के लिए भी मशहूर है। पैसा जो है वो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग को नीचे डबो रहा है, भारतीय पैसा पाकिस्तान सुपर लीग को ऊपर नहीं उठने दे रहा, और इसी वजह से जो बड़े नाम हैं उन्होंने जनाब इस साल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 खेलने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल लीग के अंदर पूरी दुनिया का खिलाड़ी खेल रहा है ना, बड़े से बड़ा खिलाड़ी जो आईपीएल में खेल रहा होता है आईपीएल के अंदर भी खेलता है, बीच के अंदर पीएसएल आती है ना, तो बीच में पीएसएल को वो ब्रेक ले लेते हैं कि ब्रेक ले लेंगे ताकि आईपीएल तक फिट रहे। वो जो ब्रेक ले रहे हैं उनको मजबूर करो कि वो पीएसएल खेले, पैसा फेंके, ऑप्शन सिस्टम लेकर फ्रेंचाइजी खुद ही बड़े नया नाम लेकर आएगी। हर फ्रेंचाइज के अंदर एक भी बड़ा नाम आ जाए ना तो वैसे ही आपकी लीग ऊपर उठ जाती है। इस पूरी ड्राफ्टिंग के जो प्लेयर्स मैं देख रहा था, कोई चर्च का खिलाड़ी तो है ही नहीं, लेकिन इस पूरी ड्राफ्टिंग के अंदर अगर 3-4 नाम और आ जाते ना, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, हेनरिक क्लॉसन जैसे नाम, ये ड्राफ्टिंग जो थी ना बड़ी अच्छी लगने लग जानी थी। अब मुल्तान सुल्तान के पास पहली पिक है, क्या फायदा ऐसी पहली पिक। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि जो आपके पीएसएल के जो डायरेक्टर हैं, पिछले साल उनकी शादी थी, उन्होंने काम ही नहीं किया, ना बड़े खिलाड़ियों को साइन किया। मैं ये नहीं डिमांड कर रहा या हम ये डिमांड नहीं कर रहे कि आप जो है वो आईपीएल की तरह हर टीम में 4-4 बड़े खिलाड़ी डाल दो, 4-4 ओवरसीज बहुत ही कोई हैवी डाल दो। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरे स्क्वाड में हम 4-4 ओवर खिलाने की बात नहीं कर रहे। चलो इंडिया में तो एक टीम के पास 8-8 बड़े बड़े खिलाड़ी है ना हर टीम के पास, हम ये बात नहीं कर रहे। नाम कह रहे हैं कि आप 4 बड़े रखो, हम कह रहे हैं कि टोटल पूरे स्क्वाड में हर टीम एक एक बड़ा खिलाड़ी रखे। तो दोस्तों पाकिस्तान में पीएसएल के ऊपर घमासान चल रहा है और बताया जा रहा है कि पीएसएल के अंदर जो है वही रिटायर्ड खिलाड़ी खेलेंगे, कोई भी जो नया स्टार है नया खिलाड़ी है वो उसमें नहीं खेल रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं वो बड़े ही नाराज़ है। और पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बात को उठाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसके अंदर कोई भी बड़ा नाम किसी भी खिलाड़ी का नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से। तो इस वजह से पाकिस्तानियों को बड़ी ही निराशा हुई है, और यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो बड़े खिलाड़ी है वो पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएल हो रही है उसके अंदर कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं आएगा, वो सब आईपीएल के अंदर खेलेंगे। और जो पीएसएल का जो शेड्यूल है वो फरवरी से मार्च का है और आईपीएल भी मार्च में ही स्टार्ट हो रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि जो बड़े खिलाड़ी है, जो टॉप के जो खिलाड़ी हैं, वो सब आईपीएल में खेलने के लिए पीएसएल के अंदर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको रेस्ट भी चाहिए, और इसी वजह से वो पीएसएल को ड्रॉप कर रहे हैं और पीएसएल के अंदर वो घिसे पिटे और रिटायर्ड खिलाड़ी खेलेंगे, जिससे कि पाकिस्तान के लोगों को बड़ी निराशा हुई है। और सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि आईपीएल जो है उसके अंदर जो बीसीसीआई है बहुत ही ज़्यादा उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, तो सभी को पता है कि आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और इसी वजह से आईपीएल पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है क्योंकि जो खिलाड़ी आते हैं उनको बड़ी बड़ी उनके ऊपर बिड लगाई जाती है, बहुत ही करोड़ अरबों रुपये उसमें लगाया जाता है। तो जहाँ पर अच्छा ऑफर मिलता है खिलाड़ी भी वहीं जाते हैं क्योंकि सारा खेल पैसे का ही है और बीसीसीआई के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और पाकिस्तान ये सोच रहे हैं कि भाई इंडिया ये सब कुछ कर रहा है जबकि ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो बीसीसीआई के पास पैसा है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसमें लगा रहा है, तो भाई इससे पाकिस्तानियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो पीएसएल के जो जिसके अंदर जो खिलाड़ी नहीं जा रहे हैं उसका रीज़न यही बता रहे हैं भाई जो इंडिया सब कुछ करवा रहा है, तो भाई इंडिया का इसमें क्या हाथ हो सकता है। अगर पीएसएल के पास अगर पैसा है तो भाई पैसा अच्छा इन्वेस्ट करो, उसके अंदर खिलाड़ियों का अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो वहाँ पीएसएल में भी खेलने आएंगे। लेकिन भाई पाकिस्तान को घुमा फिरा कर बात इंडिया के ऊपर डालनी होती है जो उन्होंने कर दी है। तो दोस्तों पाकिस्तान हमेशा इंडिया की तरफ ही उंगली उठाता रहता है, लेकिन इसे कुछ होना जाना है नहीं। बाकी आईपीएल जो है मार्च में स्टार्ट हो रहा है और बड़ा ही धमाकेदार होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।